सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आपने कभी सोचा है रिश्तों का असली मतलब क्या होता है? मेरी राय में जो रिश्ते किसी मतलब के लिए बनाए जाते हों वो रिश्ते ही नहीं हैं। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, इनको हमेशा इंसान ही कत्ल करता है, नफरत से, नाराजगी से, तो कभी गलतफहमी से। फूल की शुरुआत कली से होती है, जिंदगी की शुरुआत दोस्त से होती है, दोस्त की शुरुआत अपनों से होती है और अपनों की शुरुआत आपसे होती है। आज का पंचांग 31 मई 2024 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 9:38 तक रहेगी। इसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। शतभिषा नामक नक्षत्र सुबह 6:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:30 से 11:50 तक रहेगा। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:58 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 11:10 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 31 मई 2024 दिन शुक्रवार, नए काम के शुरुआत के लिए आज एक अच्छा दिन है। नए करियर के लिए या नए संबंध बनाने के लिए उत्साहित होना बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय है नए संभावनाओं की खोज करने और अपने सपनों को पूरा करने का। जिंदगी में जोखिम लेना नए अनुभव से रूबरू कराता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इसीलिए आज एक नई शुरुआत के लिए उत्साहित हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नए संभावनाओं की खोज करें। आपको सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचने में भी यह मदद करेगी। परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ बनाने की परेशानियों के बारे में सोचते रहने और तिल का ताड़ करने की आपकी आदत आपकी नैतिक ताने बाने को कमजोर कर सकती है। जमीन या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना आज आपके लिए घातक हो सकता है। जितना हो सके इन चीजों में निवेश करने से बचें। अगर बातचीत और चर्चा आपके मुताबिक ना हो तो आप नाराजगी में कड़वी बातें कह सकते हैं जिन्हें लेकर बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए भली भांति सोच कर ही बोली। काफी वक्त तक फोन ना करके आप अपने प्रिय को तंग करेंगे। अच्छा आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। अच्छा आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। अपनी बातचीत में मौलिकता रखें क्योंकि किसी भी तरह का बनावटीपन आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा। मुमकिन है कि आपका जीवन साथी आज आपके लिए पर्याप्त समय न निकाल पाए। घरेलू मामले आज आपसे धन और मन की शांति की मांग कर सकती हैं, जो सही नहीं है उसे ठीक करें। नवीनीकरण के लिए अनुसंधान की योजनाएं बनाएं। धार्मिक संघर्ष घर पर या माता पिता के साथ वार्तालाप में एक मुद्दा हो सकता है। अपने दिल से बातें करें। घरेलू जीवन में थोड़ी परेशानी होने का योग है। ऐसे में आप अपने बच्चों और परिवार से प्रेम सुख व सुरक्षा की अपेक्षा करेंगे। शांत रहें और किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अच्छे से सोचें। पिता जैसे व्यक्ति से टकराव की भी संभावना है। आपकी सकारात्मक सोच और खुश रहने से दिनचर्या में बेहतरीन परिवर्तन आएगा। अधिकतर समय घर के रखरखाव तथा उचित व्यवस्था बनाए रखने में व्यतीत होगा। बच्चों से संबंधित कोई शुभ सूचना भी मिल सकती है जिससे आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। दूसरों की बातों की वजह से अपने काम पर असर ना हो इस बात का जरूर ध्यान रखना होगा। जो लोग आपके लिए जलन की भावना रखते हैं वे आपके जीवन से दूर होंगे। रिश्तों में आ रहे बदलाव को समझने के लिए खुद को थोड़ा वक्त दें। बदलाव के कारण निराशा हो सकती है। बोनस प्राप्त होने से सकारात्मकता महसूस होगी। पार्टनर से प्राप्त हो रही प्रशंसा के कारण आपको आनंद मिलेगा। प्रेम से जुड़ी बीमारी को नजरअंदाज न करें, ये समस्या बड़ी होने की संभावना है। सावधानियां। दूसरों की सलाह पर अमल करना नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
कोई भी निर्णय लेते समय अपनी विचारों को भी प्राथमिकता दें। दूसरों की सलाह पर अमल करना नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज घरेलू मामले आपको बिजी रखेंगे, जिसे आपको अपने साथी के लिए समय नहीं मिलेगा, लेकिन कॉल करके या मैसेज के माध्यम से आई लव यू बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। वाहन की खरीदारी के लिए भी आज के दिन बहुत अच्छा है। आज आप अपनी घरेलू जिंदगी में अधिक परेशान हो सकते हैं। घर में मिली सुरक्षा और आराम से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं। आपका पार्टनर आपकी सब परेशानियों में आपका पूरा पूरा साथ देगा। सिर्फ आप दोनों के बारे में सोचें, क्योंकि आपके रोमांटिक जीवन के बगीचे में नई बहार आने वाली है। आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से कोई संबंध है तो आप उसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपका पार्टनर फिलहाल आपको लेकर काफी पॉजिटिव और अंतरंग अनुभव भी कर सकता है। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख भी तय होगा। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आपके लिए काफी हद तक अच्छा रहेगा। कुछ मुश्किल कार्य जो कि आपने समय पर छोड़ दिए थे, उन्हें पूरा करने का भी उचित समय है। आज के दिन आप अपने सारे रुके हुए काम अपनी उम्मीद से ज्यादा पूरा कर पाएंगे और सारे काम का बोझ आज खत्म हो सकता है। आज आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जो आसपास के सहकर्मी को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आज आप भावुक महसूस करेंगे, ऐसे में अपने केयर टेकर या माँ की तरह किसी स्त्री के साथ समय बिताएं। मिट्टी पानी इमारतों या पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट आपके करियर को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। नए मौके आपको निराश कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन साझेदारी सहयोग या कानूनी मामलों के लिए उपयुक्त है। अगर आप अपनी कंपनी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो अपनी सेवाओं को बेहतर बनाएं, अपने सपनों का पीछा करें, स्मार्ट सोचें, अच्छी योजनाएं बनाएं और समझदारी से काम पूरा करें। सकारात्मक रहकर सही कनेक्शन बनाना भी आज बहुत शुभ रहेगा। व्यवसाय में काम की क्वालिटी को और अधिक आप बेहतर बनाने की कोशिश करें। सरकारी गतिविधियों से जुड़े व्यवसाय लाभ की स्थिति में भी रह सकते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की कोई फायदेमंद डील फाइनल हो सकती है। ऑफिस के कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करना और सकारात्मक बने रहना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। तनाव और अवसाद को नियंत्रित करने के लिए योग ध्यान की प्रायोगिक तकनीकें अत्यंत उपयोगी होती है। मौसमी परेशानियों से बचने के लिए अच्छी सलाह और स्वच्छता का पालन जरूर करें। अधिक से अधिक पानी पिए और आवश्यकता अनुसार उचित कपड़े पहने। आज का उपाय। आज आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।